वेलकम बैक नाजरीन और यहाँ जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है और फ्राइड कबाब कबाब तो बहुत सारे बनते हैं और हम रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के लिए कच्चे कबाब मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब जो है बनाना सिखाते हैं ठीक तो है तो आज देखते हैं कि शेफ़ आप क्या बना रही हैं हम फ्राइड कबाब बना रहे, रहे जो कि रोड स्टाइल के फ्राइड कबाब बिल्कुल तो इसमें क्या क्या करना होगा किस तरह से बनेगा ये हमने सबसे पहले आधा किलो खीमा लिया है ठीक है बीफ मटन जो आपकी प्रेफरेंस हो ठीक है। वो उसके अंदर हम इसको वैसे साइड पर कर देंगे और आ, आप देख सकते हैं कि हमने आ, चार पांच इलायची ली है छोटी छोटी हरी इलायची ठीक, ठीक है उसके अलावा थ्री ब्लेड्स जायफल के लिए जावित्री के लिए हुए हमने चौथाई टुकड़ा जो है हमने जायफल के लिए है हमने साबुत काली मिर्च ली है आधा टी स्पून उसके अलावा चार से पाँच हमने इसमें लौंग।, लौंग लिए हुए हैं ठीक, ठीक है और इसके अलावा हम लेंगे इसको क्या पाउडर बना लेंगे नहीं पहले हम इसको रोस्ट करेंगे ठीक है तवे पे रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और इसके साथ हम लेंगे थ्री टेबल स्पून चना साबुत बुने चने जो ठेले पर मिलते हैं जो हम खाते हैं चने वो वाले चने ठीक है ये कितना तकरीबन तीन टेबल स्पून तीन टेबल स्पून और पाउडर बनाने के बाद बिल्कुल ठीक है और इसके साथ हमारे पास है साबुत लाल मिर्च जो की हम आठ से दस लेंगे इसको लेवल पे डिपेंड ठीक है।, है इसको भी तो ये है। है। इसमें से हम आधा एक से दो टेबल स्पून हम लोग हमारे कीमे में डाल देंगे मसाला ठीक ठीक बिल्कुल अच्छा कीमा आधा किलो है ना जी बिल्कुल और इसके अलावा हम इसके अंदर थ्री टेबल स्पून के हिसाब से चने का जो पाउडर है वो तकरीबन तीन खाने के चम्मच बिल्कुल और, और हाइजीन का ख्याल रखते हुए ठीक है अच्छा पहले इसको मैरिनेट करेंगे उसके बाद बाकी चीजें बाद में डालेंगे बिल्कुल बिल्कुल हम अभी इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छे ठीक। से ठीक है इसके अंदर हम आ, आ, योगर्ट भी डालेंगे ठीक है थ्री टेबल स्पून फोर टेबल स्पून के हिसाब के साथ ऐसे ही ये मुझे लग रहा पानी निकाला हुआ है बिल्कुल बिल्कुल इसमें से दही है उसका पानी निकाल कर चार खाने के चम्मच बिल्कुल ठीक है ये आपने ऐड कर दिया बिल्कुल और, और इसके अलावा हम डालेंगे लहसुन अदरक का आ, पेस्ट एक से दो टेबल स्पून ठीक है ठीक है इसके अलावा नमक हम डाल रहे हैं ठीक है अब हम छोटी चम्मच लेंगे ज़्यादा हमें स्पाइसी और नमक वगैरह का ख्याल रखना चाहिए हम एक से डेढ़ टी स्पून जो है हमारा नमक लेंगे ठीक है ठीक है लाल मिर्च लेंगे हम दो टेबल स्पून टी स्पून सॉरी और कोरिएंडर um, पाउडर हम लेंगे एक टी स्पून का पाउडर बिल्कुल एक चाय का चम्मच बिल्कुल और थोड़ी सी यानी कि आधी टी स्पून के हिसाब से हम हल्दी लेंगे आधा चाय का चम्मच बिल्कुल फिर हम इसको अच्छे से हाथ से ही अच्छा इसमें लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई भी डालेंगे कुटी हुई जो है वो हमारे इसी पेस्ट के अंदर अच्छा, ही वो हो गई है मिक्स अच्छा छोड़ देना है बिल्कुल इसको कवर करके प्रेफरेंस यही है कि अगर आपके अगले दिन आपके घर में दावत है तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट ये बहुत अच्छा है कि भाई आज रात को आपने मैरिनेट कर दिया कल सुबह कल दावत है आपकी शाम में तो कोई बात नहीं आप सुबह आराम से उठकर उसको जाना <laughs> मिक्स करके इसके कबाब बना लें आराम से एंजॉय करें तो पहले से मैरिनेट किया हुआ था और अब हम इसे स्टार्ट करना बनाने का तरीका क्या होगा वो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हम इसमें तेल डालेंगे ठीक है आधा कप के हिसाब से डि, कप। डिफर करते है अगर आधा कप से ज्यादा डालना ठीक तो, है क्योंकि कुछ होते हैं जिनको तरी बहुत पसंद होती है खानों के ऊपर तो हम लोग उनके लिए ज्यादा डालते हैं वैसे आधा कप है लेकिन अगर आप तरी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसा ना करें इसलिए कि आजकल वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है बहुत ज्यादा तो अब इसको हमने इसमें जो है ना ऐड कर देना नहीं बल्कि हम पहले प्याज डालेंगे प्याज डालेंगे ठीक है बिल्कुल एक हमने दरमिया प्याज लिए जिसको हमने लच्छे में काटा हुआ है ठीक है और ये सबसे पहले जाएगा ऑयल के अंदर जी और उसके बाद फिर जो है ठीक है ये फुल तेज़ है बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद ये गर्म होना शुरू हो जाएगा अच्छा जब तक ये हमारा फ्राई हो रहा है तो हम अपने सेकंड रेसिपी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि सेकंड रेसिपी हमारी बन क्या रही आप इस तरफ आ जाए ठीक है जी पहले तो हमने डबल रोटी को जो है बेल लेना है ना बिल्कुल ठीक है आ, पहले हम डबल रोटी की साइज हटा कर हाँ। बेल लेंगे ताकि थोड़े पतले हो जाए ठीक है ठीक है चले एक डबल रोटी दें इधर मुझे हाँ ऊपर से फाड़ लें उसको कोई मसला नहीं जी इसमें से आपको दिखा दें ताकि कुछ चीजें हम ब्रेक के दौरान कर रहे होते हैं एक पीस दे दें सिर्फ ठीक है आपने डबल रोटी ली फ्रेश डबल रोटी होनी चाहिए इसकी आपने साइडें काट ली ठीक है ये देख लें इस तरह से और इसे आपने बेल लिया चल ये हो गया ये देखें इस तरह से हो गया और इसके बाद हमने क्या करा ये है बेलन और इसके बाद इसको आपने हल्के हाथ से इस तरह से आपने बेल लिया ठीक है पुरानी डबल टी नहीं होनी चाहिए पुरानी डबल टी होगी बिलेगी नहीं सख्त होती है तो इसलिए आपने फ्रेश डबल्यू टी लेना है अच्छा फ्रेश डबल्यू में कमाल ये होता है कि हर तरफ जहाँ चाहें आप इसे जो है ना वो कर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं ठीक है ये देख लें इस तरह से बेल लिया आपने बिल्कुल पतली डबल रोटी जो है ना ये बन गई और इसमें फिर हम जो है ना समोसा इसका बनाएंगे अच्छा ये तो हो गया डबल रोटी का बता दिया हमने दुख। दुख। अब हम क्या करेंगे इसमें वैसे अभी हम फ्राई पैन रखेंगे ठीक है उसके अंदर दो एक से दो टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल दिया चिकन डालेंगे बिल्कुल तो आराम से डालेगा तेल ना हो रहा है तो छोटे-छोटे क्यूज में कटे हुए चिकन है ये और तकरीबन 250 ग्राम, ग्राम, ग्राम के करीब एक पाव के करीब है ठीक है और फिर इसके बाद हम एक टेबल स्पून इसके अंदर गार्लिक डाल देंगे ठीक है ठीक है गार्लिक डालने के बाद हम इसके अंदर दही दही डालेंगे ठीक है 3 से 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे से 3 टेबल स्पून ठीक है ये प्याज ब्राउन हो गई डाल दूं डाल। हल्की सी ब्राउन हो गई हाँ। हम इसके अंदर अब कीमा, कीमा डाल दिया ठीक है और ये चला गया कीमा जो मैरिनेट हुआ हुआ था और ये देखें इस तरह से ताकि प्याज और ये कीमा आपस में मिक्स हो जाए, जाए। चलें हो गया मिक्स अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और ये अपना जो गोश्त का पानी होता है ना वो छूटना शुरू हो जाएगा उसके बाद ये बनना शुरू हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर हमारा कीमा बन रहा है और चिकन जो है वो फ्राई हो रही है चिकन ठीक है। बन रही है हमारे हम इसके अंदर हाँ, चीजें डाल देते हैं ठीक है हमारा वन टीस्पून के हिसाब से हम लोग हाँ, इसके अंदर नमक डालेंगे नमक डाल दिया एक से डेढ़ टीस्पून हम लोग मिर्च डाल देंगे ठीक है आप ज्यादा कम कर सकते हैं ठीक हाँ, है।, है टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा मसाला सिर्फ ये है कि हमारा हमने दही डाला है इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है चिकन में और काली मिर्च डाली है नहीं, अभी है? है है अभी इसका इसका एक और इंग्रेडिएंट हाँ, जो कि फर्दर मेन स्पाइस बाहर लेके आता वो हमारा तंदूरी मसाला है तंदूरी मसाला बिल्कुल किसी भी कंपनी का तंदूरी मसाला आप ले लें एक अच्छा और वो इस्तेमाल कर ले हम डेढ़ से दो टेबल स्पून डालेंगे ठीक है और अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह ठीक है बिल्कुल अब जब हमारी हो तो हम के और इसमें करेंगे। अच्छा, ठीक है? ने, वैसे हो गया, नीचे लग रहा है तो मैंने कहा अच्छा, पानी डाल दूँ इसमें थोड़ा ताकि ये वो हो जाए खुश हो जाए ठीक है ना ठीक है ठीक है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और पक भी जाए बिल्कुल पानी ऐड करने के बाद ना प्रेफर करेंगे कि इसको कवर कर कवर करके छोड़ो ठीक है अच्छी खुशबू है बहुत अच्छी और ये समझ लें इसको हमारी जबान में गलावट का गलावट के कबाब भी ये कहते हैं और बहुत अच्छा होता है इसको आखिर में जब ये तैयार हो जाए ना तो इसके अंदर कोयले का अगर आप धुआं दे दें तो ऐसा लगेगा जैसे कबाब को आपने जो है ना वो बंद करके कबाब जी, जी जी बिल्कुल परफेक्ट अच्छा ये हम अब हम इसके अंदर एक एक कब गोभी ले रहे हैं गोभी है? स्लाइस में कटी हुई बिल्कुल हम थोड़ी सी हरी प्याज लेंगे हरी प्याज एक दो डनिया हरी प्याज चॉप बिल्कुल ठीक है उसके बाद हम लेंगे केचप केचप बिल्कुल केचप हम लेंगे 2 टेबल स्पून ठीक है ठीक है और लेंगे मेयोनीस अच्छा ये बच्चों को बहुत पसंद होती है ऐसी डिशेस तो पार्टी की गो टू मैंने इसीलिए तमीज बांधी थी कि पार्टीज वगैरह के अंदर घर में आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं बिल्कुल तो बहुत आराम से इसको तैयार कर सकते हैं बिल्कुल अब हम इसको मिक्स कर देंगे ठीक है हरी प्याज बंद गोभी और इसके साथ कैचअप और, और बिल्कुल इसका एक आमेजा तैयार हो रहा है जी बिल्कुल इसके बाद ये ये चिकन है ये इसमें जाएगी ना ठीक है ना चले अब हम हमारी चिकन हो गई तैयार ठीक है तो हम इसको जो हमारे इसकोभी हरी उस... प्याज आ, केचप और मेयोनेज़ वाला एक आमिज़ा हमने तैयार किया था उसके अंदर ये जो है चिकन हमने डाल दी ठीक है इन सबको मिक्स कर दिया आपस में बिल्कुल अब क्योंकि अब हमारी चिकन गर्म है तो हम इसके अंदर अब अब हम डालेंगे चीज चीज ताकि जो बिल्कुल ताकि हमारी जो चिकन की गर्मी है ना उससे ये मेल्ट हो जाए चिकन की जो गर्माहट है उससे जो है ना चीज़ मेल्ट हो गया सारे चिकन के अमेजे के अंदर मिक्स हो जाए ताकि इसे फिर हम आराम से जो समोसा बनाएंगे उसके अंदर फिल कर सकें ठीक है अब ये अमेजा इसका तैयार हो गया बिल्कुल डबल रोटी जो है ये भी तैयार है हमारी इसको हम यहाँ रख लें ठीक है और आपको बोट तो नहीं चाहिए बोट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी तो आप फिर इस तरफ ले आए बिल्कुल सही ठीक है ये आप उधर ले जाए आपको एक तो डबलूटी चाहिए होगा बिल्कुल लई आपकी इधर मौजूद है ठीक है और बाकी हम ऑयल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए ठीक है जब तक मैं इसको बनाकर आप इसको फिल करके दें मैं इसको जो है ना वो कर देता हूँ अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम पे लगा देता हैं ठीक है सही है ऑयल हमारा तैयार है ऑयल हमारा तैयार हो जाएगा अभी अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि और अब पहले हम लोग ब्रेड के किनारे पे ना लई लगा देंगे ठीक है। सही से ताकि ब्रेड जो है वो स्टिक कर जाए ठीक हाँ, है।, है इसके बाद अच्छे से करेंगे फ्रेश ब्रेड होने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी, है। नुकसान भी है बिल्कुल उनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है बिल्कुल तो अब आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट्स जैसे बन गई तो अब इस पॉकेट के अंदर हम लोग हमारी जो हमने मेरीनेट बनाया वो हम फिल करेंगे प्रेफरेंस ये है कि आप अपने हाथ से ख़ुद ही फिल करें और फिर चम्मच से फिल करेंगे तो हाँ, फट वो चम्मच से फट जाएगा ये डबल ओ टी जो है बिल्कुल तो अब हम इसको इसमें फिल करेंगे ठीक है अच्छी तरह क्योंकि अगर ज़्यादा भर दिया तो नहीं कैरी कर पाएगी ब्रेड इतना हमारी ब्रेड बंद ठीक है बिल्कुल इसको हम अगर समोसे की तरह बना लें तो सही समोसे की तरह मतलब जैसे कि ये अपना ये है ना इसके इसको यहाँ रखा इसके चारों तरफ वो लगा दिया इसके अंदर फिलिंग रखी और इसको ऐसे करके बंद कर दिया ये भी सही है सही है ना बिल्कुल सही है वो ज्यादा आसान है बिल्कुल ठीक है टाइम भी बचेगा और हमारा टाइम बचेगा सही बात है ज्यादा लगा दें बिल्कुल और हमने अंडे के जो है विस्क करने से पहले इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल दिया था अपने जायके के हिसाब से ताकि बिल्कुल ब्लैंड ना लगे ठीक है बिल्कुल काली मिर्च और नमक अंडे के अंदर जो है ना मिक्स कर दिया था ये अंडा जो है इसमें हमने इसको डिप किया ठीक है और यहाँ ब्रेड क्रम है ब्रेड क्रम पे लगा लिया इसे ठीक है और इसे आपने इस तरह से हवा में छोड़ दें अगर पंखे की हवा में छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ये थोड़ी देर इसको जो है ना टाइट होने में रेस्ट मिल जाएगा अब हमारे पास चार पीसेस तैयार हो चुके हैं तो मैं अब चार पीसेस फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ देखें और इसलिए कि ये जगह भी हमारे पास इतनी है कि इसमें चार से ज़्यादा पीसेस हम डालेंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा ठीक है ठीक है और इसको आराम से भरने दें कीमे को भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या पोजिशन है वो पक रहा है उसके ऊपर अभी तरी आ रही है जी जी बिल्कुल तो हम इसके अंदर हम लोग अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये पेस्टी फॉर्म, अच्छा। फॉर्म में ठीक है, है। तो पानी डाल दें दे बिल्कुल, है। है बिल्कुल पेस्ट टाइप का बन जाना चाहिए आ, इसलिए कि आपने देखा होगा जो गलावट के कबाब होते हैं या उस तरह के जो अभी आज हम बना रहे हैं ये दोनों चीजें इसका नाम ही इसलिए है कि बिल्कुल पेस्ट टाइप की चीज बन जाए कीमे में जैसे दानेदार होता है ना वो चीज़ नज़र ना आए तो कचरी पाउडर डालने का मकसद ही ये होता है कि जब इसे हम लंबे टाइम के लिए छोड़ते हैं थोड़ा सा एक दफ़ा मिक्स कर लीजिएगा ना इसको ठीक है अच्छा अब ये समोसा जो है एक तरफ से पक चुका है एक तरफ से कच्चा है तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इसे आपने बहुत बड़े बड़े चमचों से चेंज नहीं करना ठीक है ना इस तरह से आपने ये देखें लकड़ी से या चमचे चमचे के उल्टे हिस्से से इसे आपने ऐसे पलट लिया

तो ये ये और ये सिर्फ दो चीज़ें मिक्स करके हम बनाएंगे ऐसा ही है तो रेशो क्या होगा इसका टू इंटू वन होगा कि हम टू टेबल स्पून मायोनीस डालेंगे और वन टेबल स्पून हम लोग इसमें सराचा डालेंगे ठीक है तो एक कप अगर ज़्यादा बनाना है तो एक कप मायोनीस हाफ कप सराचा सॉस ये है इसका रेशो यानी कि दो टेबल स्पून मायोनीस और एक टेबल स्पून सरायचा सॉस मिक्स करके बनाएंगे अगर ज्यादा बनाना चाह रहे हैं तो एक कप मायनेस ले लें और एक आधा कप जो है सराचा सॉस डालें मिक्स कर लें इनशाला तैयार हो जाएगा वेलकम बैक नाजरीन और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है बंस रोट के कबाब खुशबू यकीन करें हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इस वक्त और दूसरी रेसिपी जो थी डबल रोटी के जो है समोसे बड़े चीज़ी समोसे जो है वो तैयार हो चुके हैं इसके साथ एक सॉस भी हमने तैयार कर लिया बहुत है बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया यही प्रोग्राम आज रात एक बजे कल सुबह दस बजे रिपीट हो, होगा इन जरूर देखिएगा और जब तक के लिए इजाज़त ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफ पबा एंड उ